अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब प्यारे बच्चों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, अपने घरों पे महफूज होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान होंगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने हरूफ तहजी वाली वीडियो देखी थी? किस किस ने देखी थी और किस किस ने उसको लिखना शुरू भी किया था और ट्राई किया था? कैसा लिखा गया था आप लोगों से? अच्छा लिखा था। चलें, बहुत अच्छी बात है। आज भी हम एक बहुत मज़े का टॉपिक करने लगे हैं और आज हमारा सबक है उर्दू और हमारा उनवान है छोटी इश्काल या आधी इश्काल। छोटी इश्काल या आधी इश्काल दोनों एक ही होती हैं, ठीक है। जैसे एक निक नेम होता है ना किसी का, मतलब एक तो उसका अपना नाम होता है और एक उसका निक नेम होता है, ठीक है। तो इसी तरह जैसे एक बच्ची है, उसका नाम सारा है, तो घर में सारे उसे कहते हैं गुड़िया, क्योंकि वो गुड़िया जैसी लगती है। इसीलिए छोटी इश्काल के भी दो नाम हैं, एक छोटी इश्काल और एक आधी इश्काल। आज तारीख है 2 अप्रैल 2021 और आज दिन है जुम्मा। चलें फिर अपना आज का उन्वान शुरू करते हैं। सब मेरे साथ मिलके बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ लें सब। सबसे पहले तो हम सेम वैसे ही अलिफ बे लिख लेंगे, हरूफ तहजी लिख लेंगे जी। ये मैंने क्या लिखा है, अलिफ, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अलिफ मद्दा, अलिफ अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के बाद आता है बे, बे के बाद पे, पे के बाद क्या आता है, ते, ते के बाद आता है टे के बाद आता है से। अलिफ अलिफ मद्दा बे पे ते टे से। से के बाद क्या आता है, जीम, जीम के बाद आता है चे, चे के बाद क्या आता है, शाबाश हे, और हे के बाद क्या आता है, खे, खे के बाद आती है दाल, डाल, और डाल के बाद क्या आता है, जाल। इसके बाद आती है रे, अरे, जे, और जे के बाद आती है ये। ये के बाद आती है सीन, और फिर सीन के बाद आती है शीन। शीन के बाद कौन सा हर्फ आता है, कौन बताएगा मुझे? स्वाद। स्वाद के बाद आता है ज़ात। ज़ात के बाद क्या आता है, तोई। तोई के बाद आता है जोई। जोई के बाद आइन, गाइन। गाइन के बाद आता है फे, और फिर काफ। काफ गाफ, उसके बाद आता है लाम, मीम, नून,
वाओ, हमजा, छोटी है बड़ी है। जी प्रभास, ये तो हमने लिख ली पूरी हरूफ तहजी। अब हम अपने असली काम पे आते हैं, जो कि हमारा आज का उन्वान है, छोटी इश्काल या फिर आधी इश्काल। अलिफ पे तो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी सीखी थी कि कैसे लिखनी है, लेकिन अब हम लिखेंगे इसकी छोटी इश्काल। तो आइए मेरे साथ और लिखिए इसकी छोटी इश्काल। जी प्रभास, मुझे ये बताएं, क्या अलिफ की कोई छोटी इश्काल होती है? नहीं। क्या अलिफ मदा की कोई होती है? नहीं। क्या बे की कोई छोटी इश्काल होती है? जी हाँ, बे की छोटी इश्काल होती है, और उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, बे। इसी तरह पे की छोटी इश्काल होती है, उसको हम ऐसे करके लिखते हैं, पे। पे के साथ होती है ते की छोटी इश्काल, सॉरी, ते के साथ होती है ते की छोटी इश्काल, और टे के साथ होती है टे की छोटी इश्काल, और इसके साथ होती है से के साथ होती है से की छोटी इश्काल। ये देखें ज़रा, बे, पे, टे, से, इन सब की छोटी इश्काल हमने लिख दी। अब हम आगे देखते हैं जीम की छोटी इश्काल होती है कि नहीं। जी मुझे बताएं, जीम की छोटी इश्काल होती है, छोटी शक्ल होती है जीम की? जी हाँ, बिल्कुल होती है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, जीम। इसी तरह चे की भी छोटी शक्ल होती है, चे। इसी तरह हे की भी छोटी शक्ल होती है, और इसी तरह खे की भी छोटी शक्ल होती है। अब मुझे ये बताएं, क्या दाल, डाल, जाल, इनकी कोई छोटी शक्ल होती है? जी नहीं, दाल, डाल, जाल की कोई छोटी शक्ल नहीं होती। अच्छा मुझे बताएं, रे, अड़े, जे या ये, इनकी कोई छोटी इश्काल होती है? नहीं, ये किसी से दोस्ती ही नहीं करते, इसी वजह से इनकी कोई छोटी इश्काल नहीं होती है, इनको हम ऐसे ही लिखते हैं। अब मुझे बताएं, क्या सीन की कोई छोटी शक्ल होती है? जी हाँ, सीन की छोटी शक्ल होती है, और उसको हम ऐसे लिखते हैं, सीन। और इसी तरह शीन की भी छोटी शक्ल होती है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं। अच्छा तो मुझे बताएं, क्या स्वाद की कोई छोटी शक्ल होती है प्रभास? जी हाँ, बिल्कुल होती है, स्वाद की छोटी शक्ल ऐसे लिखते हैं। इसी तरह हम स्वाद की छोटी शक्ल भी लिखते हैं। अब मुझे बताएं, क्या तोई की कोई छोटी शक्ल होती है? नहीं, तोए की कोई छोटी शक्ल नहीं होती। और क्या जोए की कोई छोटी शक्ल होती है? नहीं, जोए की भी कोई छोटी शक्ल नहीं होती। आइन की कोई छोटी शक्ल होती है? जी हाँ, आइन की छोटी शक्ल होती है। इसी तरह गाइन की भी छोटी शक्ल होती है। इसको आप हमजा मत समझिएगा, ये आइन की छोटी शक्ल है, ठीक है? अच्छा अब मुझे बताएं, फे की छोटी शक्ल होती है? जी हाँ, फे की भी छोटी शक्ल होती है, इसको हम ऐसे लिखते हैं। इसी तरह काफ की भी छोटी शक्ल होती है, और इसी तरह इस वाले काफ की भी छोटी शक्ल होती है, इसको हम यूं लिखते हैं। और गाफ की भी बिल्कुल काफ की तरह की छोटी शक्ल होती है। इसके अलावा लाम की भी छोटी शक्ल होती है, और मीम की भी होती है, और नून की भी होती है। अच्छा आप मुझे बताएं, क्या वाव की कोई छोटी शक्ल होती है? जी नहीं, वाव की कोई छोटी शक्ल नहीं होती। और हे की कोई छोटी शक्ल होती है? जी हाँ, हे की भी छोटी शक्ल होती है, हे की छोटी शक्ल होती है ऐसे।
और हे की ना एक शक्ल ऐसे भी होती है और एक इसकी शकाल ये भी है। ये मैं आपको जब आप आगे चले जाओगे ना प्रेप में थोड़ा सा और पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे, किताब असास कायदा के अंदर बताऊंगी ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। फ़िलहाल आप ये याद रखें हे की छोटी शक्ल होती है ये वाली, ठीक है। इस तरह हमज़ा की कोई छोटी शक्ल नहीं होती जी। तो अब आ जाता है छोटी ये और बड़ी ये। छोटी ये और बड़ी ये की शक्लें सेम होती हैं, हम इन्हें कैसे पहचानते हैं? हम इन्हें सिर्फ इनकी आवाज़ों से पहचानते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ एक एक, अब एक के अंदर आप ज़रा आवाज़ पे ध्यान दें, ये की कौन सी आवाज़ आ रही है, बड़ी ये वाली ये एक या छोटी ये की एक, एक एक तो कोई लफ्ज़ नहीं होता। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तीन तो यहाँ पे छोटी ये की आवाज़ आ रही है, क्योंकि छोटी ये की आवाज़ को हम थोड़ा छोटा करके पढ़ते हैं और बड़ी ये की आवाज़ को हम थोड़ा लंबा करके पढ़ते हैं। जैसे तीन एक, तीन एक, हमें इससे साफ पता चल रहा है कि ये वाली जो छोटी ये इसमें यूज़, ये जो ये इसमें आदिशकाल यूज़ हुई है ये छोटी ये की है और ये वाली जो की है ये बड़ी ये की है। जी प्रेप क्लास, तो अब आप लोग अपनी कॉपियों पे हरूफ़ तहजी की छोटी इशकाल को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीका ये है। चले आए मैं आपको इनकी छोटी इशकाल यहाँ पे भी लिख के दिखा देती हूँ और इसके अलावा एक और तरीका बताती हूँ कि किस तरह से आप लोग अपनी कॉपी पे काम कर सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरह बे के सामने बे की छोटी इशकाल लिखेंगे, बे के सामने बे की, ते के सामने ते की, टे के सामने टे की, से फिर जीम की भी ऐसे ही, फिर जे की भी ऐसे ही, इसी तरह आप लोग हे की छोटी इशकाल लिखेंगे, फिर खे की लिखेंगे, फिर सीन की, फिर शीन की, फिर स्वाद की, फिर ज़ाद की, आइन की, ऐन, फे की, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, छोटी है, छोटी है। इस तरीके से प्रेप्लास आप लोग लिख सकते हैं अपनी कॉपियों पे, ठीक है। ये सिर्फ वो हरूफ़ तहजी है जिनकी छोटी इशकाल या आधी इशकाल होती हैं। मैंने इसके अंदर वो वाली हरूफ़ तहजी नहीं लिखी जिनके अंदर छोटी या जिनकी छोटी या आधी इशकाल नहीं होती, जैसे अलिफ अलिफ मद्दा दाल डाल जाल रेड़े जेस ये वाओ हमज़ा, ठीक है जी। प्रेप क्लास, दूसरा तरीका ये आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है, मैंने यहाँ पे पूरी हरूफ तहजी लिखी है, आप लोग भी सेम इसी तरह अपनी कॉपियों पे लिखेंगे हरूफ तहजी। इसके बाद आपने सिर्फ उन हरूफ के गिर्द दायरा बनाना है जिनकी छोटी इशकाल नहीं होती, जिस तरह मैंने ये दायरा बना के आपको बताया है कि इन हरूफ की छोटी इशकाल नहीं होती, इसी तरह आप लोग भी मुझे दायरा हरूफ़ तहजी लिख के फिर उन पे दायरा बना के बताएंगे कि किन हरूफ़ की छोटी इशकाल नहीं होती। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।